आज पूरे भारत में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे में आज इस रावण दहन के त्यौहार को एक महिला ने अपने ही पति, सास ससुर व नंद की तस्वीर लगाकर रावण की जगह उनका दहन किया, जिसके कारण ये दहन जिले चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बा का है, जहां कस्बे में रहने वाली प्रियंका की शादी संजीव दीक्षित से 14 साल पहले हुई थी। चूंकि पति का अफेयर पहले से ही उसकी बहन की सहेली से था, इसीलिए पति प्रियंका को कुछ दिनों बाद घर पर छोड़ाकर पुष्पांजलि नाम की लड़की के साथ रिविन रिलेशनशिप में रहने लगा। जब प्रियंका को इस बात की जानकारी हुई तब उसने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सास ससुर व बहन की सहमति न मिलने के कारण वह दर दर भटकने को मजबूर हो गई। इस कारण आज विजयदशमी के दिन उसने अपने घर के सामने उनका पुतला बनाकर दहन किया और समाज में एक संदेश लेने की कोशिश की। समाज में बैठे रावण रूपी लोगों का समाज से बहिष्कार कर रावण की तरह जलाकर उन्हें भस्म कर देना चाहिए। पीड़ित प्रियंका ने बताया कि उसकी शादी को आज 14 साल बीत गए हैं और अभी तक उसका वनवास खत्म नहीं हुआ है। पीड़ित ने उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि योगी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रही है और आज एक पढ़ी लिखी बेटी का बचाव नहीं हो पा रहा है। पीड़ित ने वर्तमान सरकार से न्याय की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ रहते हैं? मैं मुस्करा में रहती हूँ। आज आपने एक अनोखा दहन किया जिसमें आपने परिवार के लोगों के फोटोज लगाए हुए हैं, क्या मामला रहा आपका? देखिए, मामला ये है कि पहले तो मैं बता देती हूँ कि त्रेता युग में जिस तरीके से रावण किसी और की पत्नी को लेके आया था और उस मंदोदरी के होते हुए भी, इसी तरीके से मेरा पति पिछले 10 साल से किसी और औरत को रखे हुए है और मैंने उसको रावण का प्रतीक दिया हुआ है और उसके घर वाले मेरे सास ससुर और दोनों नंदें उसका साथ दे रही हैं जानते हुए भी। तो मैंने अपने पूरे रावण के परिवार का आज दहन किया है। उसमें आपने लिखा कि समाज के रावण है। हाँ, एक जागेश्वर नाम के आपने जो नंदे का इस्तेमाल किया उसमें जागेश्वर नाम लिखा गया है, जागेश्वर दीक्षित हमारे ही परिवार का एक सदस्य है, ठीक है, जो हमेशा से हमारे परिवार में आग लगाता आया हुआ है और उसने इस घर को पूरी तरीके से फूंक डाला है, इसलिए मैंने उसके नाम के डंडे से आग लगाई है क्योंकि उसी ने हमारे परिवार को फूंका है। क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। किस तरह? देखिए, 14 साल हो गए हैं, 14 साल में राम जी भी वापस लौट गए थे अपनी सीता को वापस लेके, ठीक है, उस पर उस वजह से ये उत्सव मनाया जाता है। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, मेरा वनवास अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि जो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बीटेक इंजीनियर हूँ, ठीक है, सक्षम हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। तो हम जैसे पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए क्या है हक में, किस तरीके से ये मुख्यमंत्री योजना हम लोगों के लिए सहायक हो सकती है? मैं न्याय चाहती हूँ।